तो लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 15 किया था, जिसमें मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ प्रोजेक्टाइल इंक्रीज बाय 10%। तो मैंने बताया था इसको परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट बोलते हैं, डेल्टा एच बाय एच इंटू 100, जो कि कितना गिवन है 10%। बाकी सब कुछ कांस्टेंट रखते हुए आपको परसेंटेज चेंज इन टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, क्या होगा ये क्वेश्चन में निकालना है। ये समझ में आ रहा है क्या गिवन है, क्या निकालना है? तो जब मैं ये बोलता हूँ कि परसेंटेज चेंज इन हाइट, तो मतलब डेल्टा एच बाई एच इंटू 100। जब मैं बोलता हूँ परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 निकालना है। तो जब तक हमारे पास क्वेश्चन में एच और टी का रिलेशन नहीं आएगा, हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, राइट? ठीक है, तो एच और टी के रिलेशन के लिए क्या करेंगे, एच का फॉर्मूला लिखा, टी का फॉर्मूला लिखा, टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं इन्हें डिवाइड कर दूं तो एच और टी का रिलेशन आ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि वी कैंसिल नहीं होगा, तो फिर मैंने क्या किया, टाइम पीरियड वाली इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से वी डिवाइड जब करेंगे तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब डिवाइड किया, सब कैंसिल होने के बाद जी बाई 8 आ गया, विच इज द न्यू कॉन्स्टेंट। मतलब एच इज सम कॉन्स्टेंट इन टू टी स्क्वायर। ठीक, फिर अगर ये रिलेशन पता है एच और टी का, हम परसेंटेज चेंजेस निकालने के लिए क्या करते हैं, एरर का रूल लगाते हैं। तो एच में क्या लगेगा, डेल्टा एच बाई एच, 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 10% गिवन है। यहाँ से डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 2 से डिवाइड करके 5% आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये आपका मेथड मोर देन सफिशियंट है, और आप पूरे साल अगर परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन फिजिक्स में निकालेंगे तो ये मेथड एरर का मोर देन सफिशियंट है। कई बुक्स लेकिन ऐसा नहीं करती, कई बुक्स ऐसा करती हैं, लेकिन मेडिकल वाले अभी नहीं समझ पाएंगे, छोड़ दें। कुछ नॉन मेडिकल वाले भी नहीं समझ पाएंगे, जिनको लॉग की प्रॉपर्टी आती है वही समझ पाएंगे। तो अगर मैथ्स के टीचर ने करवा रखी है, तो जैसे ये लिखा हुआ है, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग एच, लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट, लॉग ऑफ टी स्क्वायर, तो जिन्होंने लॉग किया हुआ है तो प्रॉपर्टी है 2 नीचे आ गया, इनको डिफ्रेंशिएट करो 1/h इंटू डी एच, या टाइम के साथ टी के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब डी बाई डी टी ऑफ बोथ साइड्स, तो 1/h डी एच बाई डी टी, ये 0 आएगा, 2 इंटू 1/t इंटू डी टी बाई डी टी, जो कि 1 है, तो डी टी राइट साइड पे आ गया। तो देखो ये टर्म आ गई, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच, इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी, बट प्रॉब्लम ये है कि ये करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करके रूल तो एरर का ही आने वाला है फाइनली। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई बुक्स में ऑब्जेक्टिव बुक में कोई ऑथर ये लगाए तो आप मत लगाना, आप एरर का ही रूल लगा लेना। हालांकि मैंने दोनों मेथड से किया हुआ है, ज़रूरत नहीं है, आप एरर का रूल लगाएं, आपको सिंपल आंसर मिलेगा। जिन्होंने एरर नहीं किया वो प्लीज़ एरर कर लें, अभी 2-3 दिन में ख़त्म कर लें, तो उनको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ये मेथड मोर देन सफिशिएंट है, इसकी ज़रूरत कभी पड़ेगी नहीं, बिलीव मी, पूरा साल नहीं पड़ेगी, मैं कभी यूज़ ही नहीं करूँगा इसे, पर मेरा बताना बनता है कि कई बुक्स ऐसे करती हैं, तो एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप एरर के रूल से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में, तो क्वेश्चन नंबर 16 में इफ द टाइम पीरियड, कि आप लोगों ने ट्राई किया था, ठीक है, कितने लोगों ने ट्राई किया ये, ठीक, इफ टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड, तो व्हाट हैपेंस टू मैक्सिमम हाइट। अब जब तक टी का एच का रिलेशन नहीं पता होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और टी का और एच का रिलेशन तो मैंने आपको भी निकाल के दिखाई दिया कितना था, एच इज सम कॉन्स्टेंट इन टू टी स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट डायरेक्टली यूज कर लिया, एच बाई टी स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट। तो अब ये देखें, अगर मैं टाइम को डबल कर दूं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 4t स्क्वायर। तो मुझे न्यूमिनेटर क्या करना पड़ेगा ताकि मेरा रिजल्ट फिर से कॉन्स्टेंट आ जाए, एच को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ताकि 4 से 4 कैंसिल और आंसर सेम आ जाए, तो यानी कि हाइट विल बिकम 4 times, तो आंसर इज 4 times। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो टाइम को स्क्वायर करेंगे तो 4t स्क्वायर आएगा, ऊपर भी 4 लगाना पड़ेगा ताकि 4 और 4 कैंसिल करके आंसर सेम आ जाए, तो हाइट बिकम 4 times।
अब कोई कहता है सर इसमें एरर का रूल नहीं लगाया, भाई वो तब लगता है जब परसेंटेज चेंजेस निकाल ले हो, ए का परसेंटेज चेंज गिवन हो दूसरे का निकालना हो, हाँ तब लगेगा, लेकिन ऐसे तो ना लगेगा, ऐसे कॉमन सेंस भी चाहिए ना। तो कॉमन सेंस ये कहती है टाइम को डबल करेंगे फोर आएगा, तो हटाने के लिए फोर को हटाने के लिए ऊपर भी फोर लगाना पड़ेगा, तो आंसर फोर टाइम्स। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 2%, क्या ये क्वेश्चन आंसर आए हुए, तो इसमें एरर का रूल लग सकता है। तो क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 2%, मतलब क्या गिवन है, क्या लिखूं, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 कितने परसेंट है, 2% है। क्लियर है यहां तक? तो वेलोसिटी का परसेंटेज चेंज गिवन है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय इस 2% का मतलब डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 2% है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट कितना परसेंटेज चेंज आएगा मैक्सिमम हाइट है, तो बोलो क्या निकालना है, डेल्टा एच बाय एच इंटू 100 मुझे निकालना है। तो क्या गिवन है, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 गिवन है, क्या निकालना है, डेल्टा एच बाय एच इंटू 100 निकालना है, कोई डाउट इसमें? अब अगर मुझे फॉर्मूला पता लग जाए एच का और वी का तो मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी बना बनाया आता ही है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उसने क्या बोला, सिर्फ v चेंज करना है और h चेंज करना है, बाकी अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, ना तो थीटा चेंज करना है ना 2 ना g, तो इस पूरे की जगह कॉन्स्टेंट लगा लिया, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज चेंज का है तो एरर का रूल लगा लेते हैं, डेल्टा h बाई एच इज 2 इंटू डेल्टा v बाई वी, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको v का परसेंटेज एरर कितना गिवन है, परसेंटेज चेंज कितना गिवन है, 2%, तो 2% 2 कितना, 4% आंसर है। कितनों का हो गया था ये, हो गया तब लगा पाए थे ये एरर का रूल ये वाला, तो पहचान में आ रहा है कि कैसे करना है। तो एरर का रूल ऐसे नहीं है कि एरर का रूल लगा दो आपको याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा होगा कि आपको परसेंटेज चेंज एक फैक्टर गिवन होगा और दूसरा निकालना होगा, पहले आप इन दोनों फैक्टर्स में रिलेशन निकालेंगे फिर अपना रूल लगाएंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो क्या ये रूल सबको क्लियर है कि कैसे किया इसमें, ठीक है यहां तक? ठीक है, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए टॉप ऑफ द टावर वाले जो क्वेश्चन से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 19.6 मीटर हाई एक बॉल को फेंका गया हॉरिजॉन्टली यू वेलोसिटी के साथ, ये हमने क्वेश्चन किया था सब्जेक्टिव में, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये हिट्स द ग्राउंड है, इनके बीच में लाइन अगर ज्वाइन करें तो एंगल क्या बनाता है, 45 डिग्री। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू निकालना क्या है, अब यू वेलोसिटी किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में क्या लगेगा, एस इज इक्वल टू वी टी, तो बॉल ने हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस 19.6 ही कवर किया क्योंकि एंगल 45 है, तो 19.6 वेलोसिटी कितनी हॉरिजॉन्टल में, यू इंटू टी, अगर मैं टी बता दूं यू आ जाएगा, तो टी बताने के लिए हाइट पता है 19.6, तो वाई एक्सिस में 19.6 इज 0 + 1/2 जी टी स्क्वायर से टाइम निकाल लो जो कि 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड को यहां पुट कर यू की वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हो गया था ये सॉल्व, हो जाएगा, कितनों का हो गया था वैसे, ठीक है समझ में आ रहा है राइट। तो पहली असाइनमेंट में से ये सारा, ये मैंने एक चीज नोट की दूसरे बैच में, आज मैंने क्वेश्चन दिया करने के लिए आपको भी दूंगा, तो मैंने कहा कि टॉप ऑफ द टावर से एक बॉल को घेरा, हाइट पता है 19.6, तो उन्होंने फॉर्मूला लगाना शुरू किया दो स्टूडेंट ने, हाइट इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, इसमें गलती है, उन्होंने लिखा 19.6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, क्या ये गलत है, हाँ या ना, गलत है, क्यों गलत है ये, तो ये मैक्सिमम हाइट ही तो 19, इसके ऊपर तो बॉल गई भी नहीं, हाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला जो आपने याद किया हुआ है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड जब फुटबॉल किक की जाती है उस पे लगता है, टावर के टॉप से जब गिरी जाती है बॉडी, इनमें से कोई फॉर्मूला इसमें लगता ही नहीं, तो उनमें तो वाई और एक्स एक्सिस की इक्वेशन ही लगती है, इसलिए फर्स्ट लेक्चर अलग करवाया था, सारे क्वेश्चन टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ही थे, उसमें कोई फॉर्मूला लगा नहीं, वाई और एक्स एक्सिस अलग अलग किए, और जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की,
ग्राउंड से थीटा एंगल पे, उनमें सब में फॉर्मूला वैलिड है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? मतलब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं भी लगेगा कहीं नहीं लगेगा। टावर के ऊपर अगर बॉल को घेरा जा रहा है, इस पर नहीं लगने वाला, अगर स्पेशली हॉरिजॉन्टल घेरा जा रहा है। ठीक किया हुआ है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 490 मीटर हाइट पे, वेलोसिटी 150 है, बैग को फेंका गया, ड्रॉप किया गया, तो बैग की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 और हॉरिजॉन्टल 150 है। बैग कहाँ लैंड करता है ये बताओ। ऐसे क्वेश्चन कई कर लिए अब तो हमने। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वाई एक्सिस में 490 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से टाइम आ गया। फिर एक्स एक्सिस में कौन सी इक्वेशन लगेगी? एक्स इज इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, मल्टीप्लाई करके 1500 आंसर आ गया। तो मेथड सबको समझ में आ रहा है? देखो जितने आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी चीज़ें आसान लगती जाएंगी। फर्स्ट लेक्चर में ये भी अजीब लग रहा होगा, आज ये ठीक लग रहा है, अब आज का लेक्चर मुश्किल लग रहा है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ 15-20 दिन बाद आपको प्रोजेक्टाइल भी इजी लगेगा। रिलेटिव मोशन अगला चैप्टर से ऊपर जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक, और उसके अगले महीने वो चैप्टर भी ठीक लगेगा। ठीक तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, बस आप चढ़ धीरे 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 काम करते जाओ, पता भी नहीं लगेगा कि टाइम कहाँ गया। 2 महीने पता लगे आपको, नहीं पता लगे। 10th क्लास में क्या करते थे, आज क्या करते हो, देखो आपके लेवल में ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं फ़र्क आता जा रहा है। आपको नहीं मालूम पड़ रहा, लेकिन धीरे धीरे ये फ़र्क आप चेंज फील करेंगे आफ्टर 2 या 4 मंथ्स, कि आपके लेवल में इंक्रीज़ हो गया है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? क्लियर है?